पिछले 24 साल से एक ही सरकार, और इस सरकार को उड़ीसा का कोई आदमी नहीं चलाता है। दुर्भाग्य एक उड़ीसा का कि उड़ीसा में एक भी व्यक्ति नहीं है सरकार चलाने के लिए। पांड्यान आके सरकार चलाएगा उड़ीसा में? पांड्यान चला सकता है क्या? ये कौन है पांड्यान कि उड़ीसा में कोई समय जन्मे व्यक्ति नहीं है? मैं नवीन जी को, कोई नवीन बाबू को कोई कुछ बोलूंगा नहीं, वो बुजुर्ग हो चुके हैं। मैं इनको कहूंगा नहीं क्योंकि उनको काशी वृंदावन जाने का समय हो चुका है। उन्होंने सेवा किया, मैं मना नहीं करता हूं। इनके पिता सिटी में भी सेवा किया है, उन्होंने भी सेवा किया है, किंतु इन्होंने पांड्यान कहां से लाया? जवाब दीजिए बीजे बाबू। आइए नवीन बाबू, बोलिए उड़िया उड़ीसा में आइए आप। आपको लड़ना है तो आप आइए सामने, हर विधानसभा में आप आइए, हमारे विधायक हमारे कैंडिडेट आपके साथ लड़ाई करेगा। किंतु आप आइए, आप इस धरती का, इस मिट्टी का है। उड़ीसावासी आपको, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। आप बताइए क्यों पांड्यान को आपने यहां आविष्कार किया? क्यों जनता का राज यहां नहीं होगा? जनता ने वोटाधिकार प्रयोग करके आपको सरकार में बैठाया क्या? पांड्यान से राज्य चलाने के लिए, वीडियो से राज्य चलाने के लिए? यह राज्य चलाएगा, यह उड़ीसा का जनता चलाएगा, अंतिम जन चलाएगा। उड़ीसा के मां बहने और बच्चे युवाओं चलाने वाले ये उड़ीसा प्रदेश है मेरे मित्रों। आज स्वर्गीय बीजू पटनायक जिंदा होता तो उनको बहुत तकलीफ होती जो मेरे उड़ीसा में बाहर से आया हुआ व्यक्ति राज कर रहा है मेरे मित्रों। और इस जवाब, इस रैली में आए हुए मेरे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता को मैंने जब आया, मुझे बताया जाता है, बोले यह रिटायर्ड आईजी धमकाता है या बीडीओ राज करता है। अरे जनता के ऊपर कुछ नहीं होता, उखाड़ के फेंक दो इन सबको। जनता के ऊपर कुछ नहीं होता, आप निकलो सब उखाड़ के फेंको, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन का सरकार बनाओ। देखो उड़ीसावासी, उड़ीसा के पास सब कुछ है, माइंस है, मिनरल्स है, आपके जैसा मेहनती जनता है, भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व है। आज हमारे को ब्यूरोक्रेसी चलाएगा, हम चला नहीं सकते राज्य को। मैं नवीन बाबू को पूछना चाहता हूं, नवीन बाबू मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं छोटे एज में मुख्यमंत्री बना हूं, किंतु मेरा सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विप्लव देव चलाता था। किंतु आप इतने सालों से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी उड़ीसा के लोगों ने आपको सम्मान आदर दिया, आप भी दे रहे हैं, किंतु आप उड़ीसा के जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आइए जवाब दीजिए जनता को। और मेरे सामने, दाहिने तरफ बाएं तरफ सामने हजारों कार्यकर्ता को मैं बताना चाहता हूं, आप लोग किसी के फोन से ना दबिए, किसी के धमक से ना दबिए। हम जब जगन्नाथ बाबा को डरते हैं, ईश्वर को डरते हैं, ईश्वर का सम्मान करते हैं, बाकी किसी को नहीं करते हैं। और मेरा विश्वास पूरी उड़ीसा में आज उसी दिशा में काम करेगा। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।